हाँ तो भाई, कैसे हो तुम सभी लोग? होप तुम लोग ठीक ठाक होगे। यार आज है एक GTA वॉइस सिटी का एपिसोड। देखो, मैंने ना इस चैनल के ऊपर GTA वॉइस सिटी, GTA सैन एंड्रियास, उसके बाद शुरू करूँगा GTA 3, GTA 4 एंड GTA 5। ये घर क्यों आ गए मेरे, GTA 5, ठीक है ना? हाँ, तब तक हो सकता है GTA 6 भी आ गई हो, और GTA 6 भी इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। देखो भाई, मैं GTA 5 कैसे स्टार्ट करूंगा? तुम लोग सोच रहे होगे, हैं ये तो PC गेमिंग करता ही नहीं, ये GTA 5 कैसे स्टार्ट करेगा? सर, मेरे पास PC है। वो अलग बात है कि मैं PC गेमिंग नहीं करता, मेरे को मैं क्या है कि PC गेमिंग करूंगा। GTA 5 का जब टाइम आएगा मैं GTA 5 करूंगा, ठीक है ना? चलो फिर, बहुत ज़्यादा हो गई है बकबक, अपना काम शुरू करते हैं, ठीक है ना? उससे पहले आप लोग अपना काम कर लो, आप लोग वीडियो को लाइक कर लो। हाँ, टॉमी विसहरी, मेरा मजाक उड़ा रहा है सारा, निकल बाहर। ये यहाँ पे हमें छोड़ने आता है, जब तुम्हें पता है कि अब हम क्या करें। वो जब उसे पूछता है कि हम क्या करें अब, मतलब परेशान हो रहा होता है ना, परेशान हो रहा होता है कि भाई हम अब क्या करेंगे, वो पैसे कैसे देंगे। तब हमारा बंदा उसे कहता है, नहीं भाई, तू जाके सो जा, तू जाके सो जा, तू टेंशन ना ले, मैं कर लूंगा कुछ ना कुछ। अब देखते हैं हम क्या करते हैं। खैर, बैठो गाड़ी में, तो अब देखते हैं होता क्या। चलो भाई, अब हमें जो मिशन मिला है पहले वो तो पूरा करें ना। कैमरा सेट कर लिया और चलो भाई, चल 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 चलो चलो, मिशन की ओर चलें, मिशन की ओर चलें, मिशन की ओर। ये हाँ, दाएं, यहाँ से जहाँ दाएं, यहाँ से दाएं पे। देखो भाई, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम थी, लिटरली मैंने अपना बचपन सारे का सारा इस गेम के ऊपर गुजारा है, और मुझे पता है कि यार कितना मज़ा आता है यार इस गेम के अंदर। खैर भाई, रास्ता दे रहे, इधर को हो जा। हाँ, ये मैं उड़ा लिया, मैंने कुछ ज़्यादा ही उड़ा लिया। ए, मुझे पता है कि गाड़ी आने नहीं है, देखा ना, मुझे पता ना भाई साहब, ये 2-3 गाड़ियों से आगे जाने नहीं देते, कट इतनी ज़्यादा कराने नहीं देते हैं भाई साहब, आगे गाड़ी आ जाती है। एक्सट्रीम ड्राइविंग कर नहीं सकते भाई साहब आप GTA वाइस सिटी में, अगर करनी भी है तो गाड़ी ठोक ठोक के करनी है, खुलेआम नहीं करनी है। कोई एम ही कार फार सेल आई कोई है, जो एम आप ड्राइविंग करते जाओगे बड़े आराम से। वैसे कार फॉर सेल में भी इतनी आराम से नहीं कर सकते। हाँ, याद आया, कार फॉर सेल से, कार फॉर सेल का भी गेम प्ले आ रहा है, ठीक है ना? सब्सक्राइब कर लो। तो चलो भाई, अभी ये मिशन आ ही गया था, बातें करते करते मिशन आ ही गया। ये जो है ना, अंदर हमें मिला है, ये मिला है। हाँ, तो भाई साहब, हमें मिशन मिला है, ये कह रहे हैं वहाँ पे जाकर ना इसको फ़ोन करना है, हमें अपने बॉस को यहाँ पे जाकर फ़ोन करना है। ये मैं गया अंदर, दायरे के अंदर आ गया। अब ये यहाँ पे ना भाई, इसको फोन, सॉरी, यहाँ पे ना फ़ोन करेगा, और ये है हमारा बॉस, ठीक है ना? ये तुम लोग देख रहे हो, ये देखो ऐसे करके जैसे फोन उठाया ना, ये है हमारा बॉस, ठीक है? अब ये उसे कह रहा है कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ तुम बहुत इमोशनल हो रहे हो, क्योंकि तुमने काफ़ी देर बाद फोन किया है मुझे, लेकिन भाई हमारा बंदा तो कुछ हो ही आगे से कहानी सुना रहा है। वो कह रहा है, काका पैसे तेरे चुके गए नहीं, नाल तेरी ड्रग भी चुकी गई है, उसी दिन उसकी 4 हो गई हुई है, फट के 64 हो गई हुई है, 4 क्यों? आगे ये बंदा उसको हमारा समझाने लग गया, ठीक है ना? अरे मैं ना जो है ना, मुझे आवाज आ रही है, आप लोग देख रहे हो किसे, क्या लगा, मैंने एयरपोर्ट लगाया हुआ, ठीक है ना? हाँ, तो ये बंदा उसको समझा रहा है कि नहीं भाई, नहीं, तू ना टेंशन मत ले, मैं तेरे पैसे दे दूंगा, टेंशन मत ले, ऐसे ना मतलब कर तू। वो कहता है, नहीं नहीं तेरी इतनी औकात नहीं है, तू पैसे मेरे रिटर्न कर ही नहीं सकता, तू फारिग है, तू ये तू वो ऐसे वैसे भाई कुछ नहीं। अभी हमारे बंदे को यहाँ पे ना बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका हुआ है, अभी देखना ये एंड में हरकत क्या करता है, ठीक है? यहाँ पे वो कह रहा है कि डू नॉट रिटर्न माई मनी, तुम मेरे पैसे रिटर्न नहीं कर सकते। मुझे पता है मेरी इंग्लिश जो है वो टूटी भजी है, तो उसके ऊपर कमेंट करना वो तो कर देना, क्यों नो कमेंट करना वो तो कर देना भाई, मुझे पता है मेरी कमेंट बुरी है। ए ओ, अरे भाई मुझे ही दे देता यार फोन, तोड़ के वक्त डाल देते हैं यार ये। चलो बाहर चलते हैं, अब नेक्स्ट मिशन के ऊपर हैं। ये कुछ ज़्यादा ही पीला पीला नहीं हो गया यार ये सारे ग्राफिक? चलो खैर, चलते हैं हम भाई अपने मिशन के ऊपर। हमें क्या है, अरे गाड़ी भी आगे से टूट गई है यार, पता नहीं क्या है। अभी मैं आगे जाता हूँ, मैं किसी ना किसी बंदे से ना अच्छी सी गाड़ी भाई साहब लूट लेता हूँ। खैर, बड़ी मुश्किल से बची यहाँ से गाड़ी, तो चलो भाई साहब यहीं से मुड़ जाते हैं, यहीं से मुड़ जाते हैं। अरे इतने चीटे चीटे ग्राफिक्स हो गए ना, इतने वाइट वाइट ग्राफिक्स हो गए ना, इतने यार मतलब ऐसे अनब्रांड से लग रहे हैं ना। ओए 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 ओए, ये मिल गई गाड़ी, मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई, ये नीली फिरारी मिली है भाई। ये फिरारी हाल तो पुराने मॉडल की है, बट खैर है, चलेगी यार। दे दो गाड़ी भैया, मैं बंदे से मिलने जा रहा, तुम्हारी मेहरबानी है। अच्छा, उसको मैं मेहरबानी भी कर रहा हूँ, उसको उठा के मैंने परे मारा है। ये लो भाई,
और मैं उसकी गाड़ी उड़ाता हुआ यहाँ पे आ चला हूँ, और अपने बॉस को मैंने उसकी गाड़ी का दरवाज़ा मैंने बांध दिया है और तोड़ दिया है, तोड़ दिया है। अच्छा लगा, अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दो। चलो भाई अब ये जो है ना अपने मिशन करते जाओ। लेकिन एक सेकंड, एक सेकंड, मुझे ना किसी को उंगली देने का मन कर रहा है भाई, मैं उंगली देने किसी को, ये इस भाई को दे देता हूँ। लेडीज को कोई, लेडीज को नहीं छेड़ना। ये भाई मेरे पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा है, जल्दी भाग, जल्दी भाग। ये तो इंतजार करता रह जाएगा कब बार आएगा, और हम आएंगे भाई साहब अगली सदियों में बाहर। अब हमें यहाँ पे मेन फोकस की बात ये है कि हम मिशन कर रहे हैं GTA Vice City का, तो यहाँ पे ये हमें कहता किया है, ठीक है, यहाँ पे ये हमें कह रहा है कि तुमने कहा था कि सो जाओ जाके, मुझे तो नींद नहीं आई काका। कह रहा है मैं तो इस चेयर के ऊपर बैठा रहा हूँ पूरी की पूरी रात और सोचता रहा हूँ कि हमारे ऊपर ये क्या हो गया है। वो कह रहा है जस्ट रिलैक्स, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें फिकर करने की, मैं हूं ना। अभी देखो हमारा बंदा बैठ कैसे गया, एंजी में सो रहे आया होता है भाई, टांग के ऊपर टांग रख के ना उसके वैसे ऊपर उसके टेबल के ऊपर रख के बैठ गया है। वो उसको कहता है हे ठीक है बेटा, ये ले सारे के सारे तू ही काम कर, उसको ये रिसीप्ट भी दे देगा, ये ले भाई सारे के सारे लफड़े तू ही संभाल, ये काफी सारे बदमाशों की मतलब उसको ना जानकारी दे देगा कि ले भाई इनसे भीड़, इनसे भीड़, ये देखो ये उसको दे दी, उसको कहता ले भाई ले तू ये ले, इनसे भी भीड़, इनसे भी भीड़, जा तू खुद ही सब कुछ कर। तो वो आगे से बंदे का ना मेरे बंदे का मजाक उड़ा रहा है, ओए जा भाई तूने कपड़े कैसे पहने हैं, तेरी बात ही नहीं है, तू इनसे लड़ेगा इनसे भिड़ेगा। वो कह रहा है कि नहीं नहीं तू टेंशन मत ले मैं कर लूंगा, ठीक है ना। खैर ये ज्यादा कुछ लड़ाई हो, वो देखो अपने कपड़े दिखा रहा है, ज्यादा कुछ लड़ाई होते होते ही वो थोड़ी सी सुलह हो जाती है, तो वो सलाम लेने वापस आ जाता है। एंड वापस आने लगता है हमारा बंदा, ठीक है ना, ये फाइल लेके जा चुका हुआ उस ड्रोन की, याद रहे कि इसने उस ड्रोन को मार देना है अगले मिशनों में चल के। अगर आपने ये GTA 5 का एंड नहीं किया हो तो आपको बता दूं, वैसे भी एंड ना भी किया हो कुछ भी मिशन किया हो तो आपको पता होगा कि ये मार के तो हम उनकी प्रॉपर्टी ले लेते हैं। ओए मेरे नाना जी का, मेरे नाना जी का वेस्पा, ये लेके देखते हैं भाई, ये मेरे नाना जी का वेस्पा है भाई, मेरे नाना जी मेरे को इससे जो है ना, मैं जब होता था ना प्री नर्सरी में तो मेरे नाना जी मेरे को लेके आते थे अपने वेस्पे पे वापस स्कूल से, हाँ जी छोड़ के भी आते थे, इससे ऐसा भी मतलब नहीं कि छोड़ के नहीं जाते, छोड़ के भी आते थे और लेके भी जाते थे। मैं अब नाना जी की जो है ना याद में जा रहा हूँ वेस्पे के ऊपर बैठ के, क्या करने जा रहा हूँ बोला, मैं जा रहा हूँ जी कपड़े बदलवाने, ठीक है ना। अभी देखना ये वेस्पे के ऊपर आया और बन के क्या निकलेगा है, ये आ गया है मेरा मॉल, कपड़े बदलने वाला मॉल। यार ये क्यों इतने यार वाइट वाइट कर दे, ठीक कर दो यार GTA वालों। ओहो मैं क्या कह रहा हूँ भाई साहब, कमाल हो गई है। 007 नाइस बाइक, नाइस बाइक, ठीक है भाई मैं ले लेता हूँ, नाइस बाइक बोला ना बड़ा भाई अपनी बन रहा है, नाइस बाइक नाइस बाइक, इसको भी बताते हैं ये। ओह पुलिस 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 पुलिस, नहीं 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 पुलिस पुलिस पुलिस, ए जाना जाना पुलिस जाना, मेरे को ये बाइक लेनी है भाई, मुझे ना बता मुझे कुछ भी हो मैं बाइक लेनी है। चल 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 चल, उठा उठा उठा, अरे पुलिस वाला भाग रहा है, ओ भाई पुलिस वाला भाग रहा है यार, ये 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 ओके ओ एकदम से भाई सब ग्राफिक्स ठीक हो गए हैं यार, शुक्र है यार कमाल हो गया हुआ है मेरे लिए, तो कमाल हो गया हुआ है। बाकी आगे अब चलते हैं और देखते हैं कि ये बॉस जो है ना, मैं ये जो बॉस बॉस कहें, अरे आंटी को नीचे दे दिया फोकट में यार बेचारी आंटी भी, आंटी आंटी तुम्हें सलाम, मरी हुई आंटी को RIP आंटी। तो अभी हम आ गए अपने मिशन के अंदर और ये है इस वीडियो का लास्ट मिशन, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाना है, ठीक है ना, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो यार तुम लोगों ने भी इतनी लंबी वीडियो नहीं देखनी मुझे पता है, और अगर देख रहे हो ना यहाँ तक तो यकीन करो यहाँ तक तुम लोग कमेंट कर दो, यहाँ तक तुम लोग अगर देख रहे हो ना तो भैया ये वाला इमोजी, यार ये वाला इमोजी कमेंट कर दो, ठीक है, अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो मुझे पता चल जाए, मुझे पता है यहाँ तक मेरी वीडियो कोई भी नहीं देख रहा होगा। खैर बाकी देखते हैं चलते हैं, तुम ना देख रहे हो यूट्यूब तो देख रहा होगा ना। खैर चलो भाई अब ये बंदा जो है ना, ये हमारे बंदे को काम समझा रहा है, इतने मुझे समझ नहीं है कि क्या काम समझा रहा है, बट काम समझा रहा है, ठीक है ना, काम समझाएगा। एंड यहाँ से आगे ये अपनी बेटी को बुला रहा है, ऐसा बेशरम आदमी है, ऐसा बेशरम आदमी है, ये अपनी बेटी को बुला रहा है और कह रहा है अल्लाह माफ करे, ये क्या मिल रहा है मुझे, ये कैसे आ रही है, ये आ कैसे रही है भाई साहब। ऑफकोर्स डैडी,
ये है जी उसकी बेटी जो हमें मिली है कुछ देर के, ये हमारी फ्रेंड है, समझ आई ना। हाँ जी, पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाते लोग मेरे मर में। मैं वासी बहुत हैंडसम हूँ भाई, मेरे पीछे लड़कियां लग जाती हैं। ये क्या हो रहा है यार। और हाँ, मेन फोकस पे तो ध्यान दे रहे, भूल गया। ये जो है ना उसकी बेटी, वो हमें काफी ज्यादा जानकारी दे रही है कि ये डोन है, ये डीजे है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है, तो मतलब सारे का सारा ना वो दे रही है उसको जानकारी। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे देखते हैं कि ये क्या करती है। ठीक है, ये उसके, हाँ ये डीजे है, दरअसल डीजे ही है। और हमें आगे जाकर ना इसका भी मिशन करना है, ठीक है ना। इसके डीजे में जाएंगे और आगे जाकर नेक्स्ट बता दूँ, इस डीजे को हम लोग एक बम से बचाते हैं, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग मिशन है, लिटरली बहुत इंटरेस्टिंग मिशन है भाई। वहां तक अगर तुम लोग जुड़े रहोगे ना तो यार ओपी यार, यकीन करो। ये सर, ये जो सर, ये ना डायरेक्टर है, ठीक है, ये फिल्म का डायरेक्टर है। और यकीन करो, ये लग भी डायरेक्टर है, जैसे मतलब इसने ना वो आधे आधे दूध बाहर निकाले होंगे ना, वैसे वो लग तो डायरेक्टर ही रहा है। और ये बंदा है जिसकी, जिसको हमने मार के उसकी प्रॉपर्टी लेनी है, ठीक है ना। ये गंजा बंदा है जो हमारी हमारी फ्रेंड जो ना उसके बाप से मिल रहा है, ठीक है। तो ये खड़ा कैसे, ये खड़ा, ये कैसे बात कर रहा है भाई, ये बात तो तरीके से करना है। अरे भाई, अब ये चलो भाई, अभी हम लोग ना ये बुला रहे हैं उसको, उसका चाचा। तो वो कह रही है, नहीं, मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ बात बात करती हूँ। हैं, हफ फिडे मुंह,